राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेकर पटना पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी कड़ी में कंकड़बाग थाना क्षेत्र के तिवारी बेचर के पास एक निजी कंपनी के कर्मचारी से 3,30,000 रुपए की लूटपाट हो जाती है और पूरी वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल जाती है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार पटना पुलिस यानी कंकड़बाग थाने की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। पूरे घटना की जानकारी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते कि रोहित नामक जो निजी कंपनी में कार्यरत था और राजेंद्र नगर से अपने कार्यालय गांधी मैदान की ओर से जा रहा था, तभी 2 की संख्या में आए अपराधियों ने पहले उस पर चाकू से गोद कर घायल कर दिया और उसके बाद उससे रकम लूट ली गई। और हमारी मौजूदगी अभी कंकड़बाग थाना में इस पूरे मामले को लेके जो तमाम बातें आई हैं FIR दर्ज कर लिया गया और इस पूरे घटनाक्रम में जो थाना प्रभारी है उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि तमाम घटनास्थल से CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है, तमाम बिंदुओं की जाँच की जा रही है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि राजधानी पटना जहां पर अपराध को रोकने के लिए QRT से लेके 112 की टीम, थाना की गश्ती, तमाम बड़े बड़े संसाधन हैं, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में जहां DGP से लेके पटना के SSP, CTSP तमाम लोग बैठते हैं, लेकिन पटना पुलिस के नाक के नीचे लगातार अपराध की ग्राफ में बेतहाशा वृद्धि होते जा रही है। अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नज़र आ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर कंकड़बाग थाने से प्रभारी से हमारी बात हुई। 10/7/24 को कंकड़बाग थाना अंतर्गत ग्रेविटी मॉल के नज़दीक रोहित कुमार ग्राम आशोपुर थाना दानापुर जिला पटना, जो बालाजी एग्रोटेक कंपनी में पैसा कलेक्शन का काम करते हैं, 10/7/24 को वो जब आ रहे थे तो अज्ञात बाइक सवार अपाचे मोटरसाइकिल द्वारा इनके बैग से 3,30,000 रुपया और लैपटॉप जो कि इनके बैग में था चाकू दिखाकर छीन लिया गया। वे जख्मी नहीं हुए हैं, प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है एवं CCTV फुटेज इत्यादि की जांच की जा रही है। सीधे तौर पे कहा कि घटनास्थल पर पहुंच के CCTV की जांच की जा रही है, मामला संदिग्ध बता रहे, लेकिन मामला जो भी हो, मामला जब खुलासा होगा, जब जांच होगी और ये मामला क्या कुछ है तब सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि खगौल में 2 दिन पूर्व जिस प्रकार से 2 हत्याएं हुई, पटना सिटी में लगातार अपराध के ग्राफ में आंकड़ों में लगातार वृद्धि होते जा रही है और कंकड़बाग में ये घटना ये सीधे तौर पे जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं पटना पुलिस लगातार फेलियर नज़र आ रही है और अपराधियों के का मनोबल लगातार बढ़ते जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले को सुलझा लेती है या जिस प्रकार से पटना पुलिस का जो रवैया रहा है, जो रटा रटाया बयान रहा है कि मामले की जाँच की जा रही है, पुलिस कब तक अपराधियों तक पहुँच पाती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रोहित दर्शनी, पटना।